साथियों, देश के अंदर जो राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उससे डरकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाया वो कायरता वाला कदम था। देश में राहुल गांधी जी ने किसानों के पक्ष में खड़े होकर जो तीन काले कानून थे, किसानों के पक्ष में खड़े होकर आवाज उठाई, नौजवानों को जिस तरीके से अग्निवीर की योजना लाकर उनके भविष्य को अग्नि में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, युवाओं के समर्थन के लिए जो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर, हाथरस में जो छोटी बच्ची थी उसको लेकर उसकी आवाज को उठाने के लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जो सड़कों पे उतरे, उससे डरकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की वो कायरता वाला कदम था। राहुल गांधी जी ने अडानी से तो सिर्फ ये सवाल पूछा था, मोदी से सवाल पूछा था कि वो 20,000 करोड़ रुपए अडानी के अकाउंट में कैसे आए, वो किसके पैसे थे। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो देश छोड़कर भागे, उसके ऊपर सवाल उठाया तो राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी। साथियों, यहां पे नारा लिखा है, डरो मत, संविधान अभी जिंदा है। ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म नहीं कर सकते। संविधान को मानने वाले यहां पर करोड़ों लोग हैं और संविधान के ऊपर अगर कोई आंच आई तो हम अपनी जान की कुर्बानी भी दे देंगे। यहां पर हम सब लोग यहां से संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने अपने जिला में जाएंगे, अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे और लोगों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे, आरएसएस की विचारधारा को बेनकाब करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि इतनी तपती धूप में आप लोगों ने अपना समर्थन राहुल गांधी जी के इस सत्याग्रह के अंदर यहां पर उपस्थित होकर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को जय भीम, जय संविधान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।